वाइस मिनिस्टर भगवान राम की स्थापना का दिवस है, मंदिर में थोड़ा सा आईडी लगाने दो। कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, ब्रह्मांड सृष्टि जो जीव मात्र है उसमें है। एक ऐसी मर्यादा की भावना जिसने पूरे ब्रह्मांड को बताया कि छल का वध कैसे होता है, मारीच के रूप में भगवान राम ने किया छल। राक्षस कम्बंधन जो दुष्टता का पर्याय था उसका वध भगवान राम ने किया। वानर सम्राट बाली जिन्होंने अपनी अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया, मोह का प्रतीक, प्रवृत्ति का प्रतीक बाली का वध भगवान राम ने किया। महाज्ञानी कुंभकर्ण जो आलस्य का प्रतीक था उनका वध भगवान राम ने किया। और सोने की लंका के सम्राट रावण अहंकार के की प्रवृत्ति के प्रतीक थे, उनका वध भगवान राम ने किया। रामायण काल में पांच वध प्रसिद्ध भगवान राम ने सीधे किए 14 वर्ष के वनवास के दौरान। वो क्या सीख देते हैं, किस प्रवृत्ति के अंत की बात करते हैं, वो अंत करते हैं छल की प्रवृत्ति के अंत की, दुष्टता की प्रवृत्ति के अंत की, लोभ की प्रवृत्ति के अंत की, आलस्य के प्रवृत्ति के अंत की और अहंकार के प्रवृत्ति के अंत की। मैं मानता हूँ ये हम सबको अपने अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। हर्ष और खुशी का अवसर है। आज जिस तरीके से राज के मोह को भी एक तरह से भगवान राम ने कभी आत्मसात नहीं किया, पूरी मर्यादा की उनकी भावना में है कि लंका को उनने जीता, पर दे के आए वो उन्हीं वसुरों के वंशज कुंभकर्ण को, विभीषण को। ये अपने आप में एहसास कराता है कि भगवान राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मसात करते हुए सनातन धर्म की प्रवृत्ति और संस्कृति को हम सब आत्मसात करें, इसका एक सुखद अनुभव है, बड़ा अच्छा एहसास है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमें हमारे सभी साथियों को जिन्होंने इस तरह का आयोजन सुंदरकांड का आज किया। मैं अभिभूत हूँ, खुश हूँ और हम सब खुश। राजीव के मन में राम कार्यक्रम चल पीछे पीछे भैया पीछे करो ना, बात सीधे है कि ये श्रेय और नकारात्मकता का विषय हो ही नहीं सकते हैं राम का, ये सकारात्मकता और सबका विषय हो सकता है, ये तेरे मेरे का विषय नहीं हो सकता। तो जब जैसा जिसको अवसर मिला राम की सेवा का उसने। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसको लेकर प्रदेश में कई जगह सुंदरकांड, भजन कीर्तन और प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में श्री झरनेश्वर हनुमान मंदिर रेडक्रॉस छत्रपति शिवाजी मूर्ति चौराहा लिंक रोड एक भोपाल में सुंदरकांड महाआरती का कार्यक्रम किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश वासियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि भगवान राम सभी का कल्याण करें, देश प्रदेश में खुशहाली आए, हम फिर से प्रेम और भाईचारे के साथ रामराज की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि कणकण चणचण में समाये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन दर्शन उदाहरण और अनुकरण का पर्याय है। वनवास काल में भी उन्होंने अपनी कर्म प्रतिज्ञा से ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जो युगों युगों तक हमारा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सुंदरकांड में भागीदारी कर आज पुनः रोम रोम में राम की अनुभूति हुई। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, केके मिश्रा और अमित शर्मा समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। वही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी असम में मौजूद हैं। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि उन्हें आज मंदिर जाने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले उन्हें मंदिर जाने की अनुमति दी गई थी लेकिन आज मना किया जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के नागाम जिले में पहुंची हुई है। यहां बतादरवा थान इलाके में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली है। राहुल गांधी को कार्यक्रम के तहत आज शंकरदेव के मंदिर जाना था लेकिन अब राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें आज मंदिर जाने से रोका जा रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि हम मंदिर जाना चाहते हैं। मैंने क्या अपराध किया है जो मैं मंदिर नहीं जा सकता? कोई ऐसे नहीं है, कोई हम आपसे यहाँ बात करने आए हैं। हम वहाँ मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं है, मैंने क्या गलती थी कि मैं मंदिर ही जाना चाहता हूँ।